आशीर्वाद था। यीशु और उसकी सोफी की माँ की भेंट। हम तेरी आराधना कर रहे हैं क्रिस्तो, तुझे धन्यवाद करते हैं। उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट थी। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी, जो उनके प्रेममय हृदय को छेदती थी। सबको जय यीशु। हम यहाँ देख रहे हैं चौथा स्थान पर यीशु को उनको उनके कंधों पर क्रूस लादकर सिपाही लोग मारते पीटते धकेलते कितने बार गिर भी गए। पूरा लहू लुहान होकर वो जब रास्ते में क्रूस को कंध पर लेकर आ रहे थे, तब उनके पीछे चारों ओर पूरी भीड़ आ रही थी। उसी समय उनकी माँ के साथ उनकी भेंट हुई। यहाँ उपस्थित सभी माताओं से मैं अनुभव करने के लिए कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे बच्चों को कहीं पर भी थोड़ा सा भी चोट लग जाता है, साइकिल चलाते वक्त थोड़ा गिर जाता है तो हमको कितना दुख लगता है, या फिर खेलते वक्त कहीं पर भी चोट लग जाता है तो हमको कितना दुख लगता है। तो वो दुख को हम माता मैया के जगह में रखकर अपने आप को माता मैया के जगह में रखकर थोड़ा मनन चिंतन करना चाहिए कि उनका भी बेटा को जब मार रहे थे, पीट रहे थे, धकेल रहे थे तो उनको कैसा लग रहा था। तो हम इस माँ मैया से हम प्रार्थना करेंगे ताकि वो जैसे सहनशील थी वैसे हम भी सहनशील बने। छोटे छोटे दुख को हम प्रभु यीशु से प्रार्थना मांग के हम सह कर उनके रास्ता में सही तरह चलना सके। विनती। हे प्रिय यीशु, तेरे इस असहज दुख के कारण मुझे वहाँ शक्ति प्रदान कर कि मैं सारी सांसारिक कुवासनाओं और असत्यों को त्याग कर सकूं और भविष्य में कभी बड़ा पाप करके तुझे अप्रसन्न ना करूं। हे हमारे पिता, yeah।
यीशु के मरने के बाद बोल के दूसरे भाव लिखे हैं यीशु को खून पैसा मिलाते हैं वो एक खून की माता की और मैंने उसके बाद देखी वो एक कथानिया प्रेम के साथ अपने छाती में उसको लगाती है आज से 2024 तक तो कोई लोग समझ आते हैं कि आखिरी पुरुष का है यीशु के लिए हमारे लिए हम लोग नहीं सकते हमारा आखिरी पुरुष ऐसा है इसको हम लोग कोई नहीं सकते शायद आज 12 बजे के पहले कितने लोग गुजर गया तो लोग सोचा था कि हमारा आखिरी पुरुष ऐसा है हम लोग यीशु के लिए तो सोचते हैं यीशु का तो स्वर्ग में अपना जगह बना हुआ है उसी दिन जिस दिन यीशु मसीह मर गया उसी दिन एक डाकू भी यीशु का साथ स्वर्ग में चला गया उसी तरह यीशु के पास हम लोग भी मोड़ मरे उसके तरह ध्यान करें ताकि हम लोग भी उसके साथ अच्छा जगह में एक दिन रहे हम लोग उपवास करते हैं सच में देखने में उपवास करते हैं मीट मछली को तो खाते हैं सही है क्योंकि हम लोग खाने से शरीर में जोश रहेगा शरीर पेट में गड़बड़ नहीं होगा उपवास रहेगा तो देखते होगा आजकल का जमाना लेकिन असली चीज को हम लोग उपवास करना चाहिए जो हमारा आत्मा को भी नाश करता है शरीर को भी नाश करता है और बहुत जगह में देखा है बहुत जगह में देखा है पीते पीते सब माता पिता भाई बहन लोग मेरा एक कहने का मतलब यह है कि हम लोग 2 दिन का जिंदगी है इस जिंदगी में यीशु मसीह का इच्छा जिस दिन होगा उस दिन हम लोग को लेगा हम लोग तो जबरदस्ती अपने को भेजने का रास्ता ढूंढ रहा है